Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ कंकड़खेड़ा क्षेत्र में एक युवक को चाकू से बुरी तरह गोदकर मार डाला गया। युवक को दो दिन से लगातार भुगत लेने की धमकियां मिल रही थी। शव पर जगह जगह गोदने के कई गहरे निशान हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि युवक को कितनी बेरहमी से मारा गया है। हत्या की यह वारदात शोभापुर में शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे हुई। मारे गए युवक का नाम सुधीर उर्फ सिद्धू है। वह प्रगतिशील समाज पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। देखिए, ये शाम की घटना है। कुछ दिन पहले सगे चाचा ताऊ के बच्चों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, छोटे से बच्चे की किसी घटना को लेकर। उसके बाद में कल उसी संबंध में दोबारा से वाद विवाद हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसके वे जो मुख्य अभियुक्त है वो और ये दोनों सगे चचेरे थेरे भाई हैं। कहासुनी हो रही थी, कहासुनी के बीच में ही जो है किसी धारदार या पॉइंटेड हथियार से जो है शरीर में किसी वाइटल पार्ट पर चोट लगी है, जिसके बाद में ये घटना हुई है। 6 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों की अरेस्टिंग कर ली है। जल्दी से जल्दी साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। शेष की भी गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर की जाएगी। देखिए, इस तरह की बात क्यों कवरेज हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परिवार के ही लोग हैं और छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था और आपस में उसके बाद में विवाद बढ़ा और उसमें उस व्यक्ति के जो है 2-3 जगह चोट आई और एक वाइटल पार्ट था इत्तेफाक से जहाँ चोट लग गई। तो एलानिया वाली तो इस तरह की कोई बात नहीं है। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें से अधिकांश गिरफ्तारियां इसमें कर ली हैं। शेष की साक्ष्य के आधार पर जल्दी से ही गिरफ्तारी करेंगे।